ने सपा नेताओं के प्रदर्शन की भनक लगते ही लिया हिरासत में। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में धांधली व नगवा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुए बवाल के मामले में पुलिस द्वारा एक तरफा मुकदमा दर्ज करने व बेरोजगारी व महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर कोन क्षेत्र में सपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तहसील मुख्यालय ओबरा जाने के लिए जैसे ही अपने अपने क्षेत्र से निकले कि कोन तेल गुड़वा मोड़ पर पहुंचते ही कोन थाने पर तैनात उपनिरीक्षक सुनील कुमार दीक्षित व राजेश मौर्य द्वारा सपा के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर कोन थाने में लाया गया। सपा कार्यकर्ता गिरफ्तार होते ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाने लगे। वहीं सरकार के तानाशाही रवैये से खफा सपा के जिला कोषाध्यक्ष विजय शंकर जायसवाल ने कहा कि इस सरकार ने इंदिरा गांधी के समय में लगाए हैं इमरजेंसी को भी पीछे छोड़ दिया। सपा के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर शांतिपूर्ण तरीके से तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन डरी हुई सरकार के इशारों पर पुलिस सपा कार्यकर्ताओं को तहसील मुख्यालय पर पहुंचने नहीं दे रही। देखें देव कुमार शर्मा की रिपोर्ट।